हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 41321561, 16231251, 21343136 पेंसिल्स इन 3 ईयर्स। यानी फैक्ट्रीज के जो तीनों साल के जो पेंसिल प्रोडक्शन है उसके नंबर्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स वर प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री। अब हमें टोटल पेंसिल कितने प्रोड्यूस हुई थी फैक्ट्री के से, वो से हम टोटल निकालें। यानी इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हम अभी ऐड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर है, यानी इसे हम थोड़े लैंग्वेज में लिखेंगे, पेंसिल्स प्रोड्यूस इन फर्स्ट, सॉरी हम ऊपर बार नहीं लगाएंगे, फर्स्ट ईयर। पहले साल में हमारी कितनी पेंसिल्स प्रोड्यूस हुई थी, 41321561। उसी तरह से हमें लिखना है पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में हमारी हुई थी 16213 1256 पेंसिल्स प्रोड्यूस इन थर्ड ईयर। यानी तीसरे साल हमारे हुए थे 21341367। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम इन्हें ऐड कर लेंगे। इन्हें हम अच्छे से सीरीज में लिख देते हैं, 41321561। पहले हम काउंट कर लेते डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड ईयर में हमारे हुए थे 16213 1256, 21 34 31 36 7। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो 1 + 6 कितना होगा 7, 7 + 7 कितना होगा 14, तो 4 या 1, 6 + 1 7, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 6 कितना होगा 18, तो 8 या 1, 5 + 1 कितना होगा 6, 6 + 2 कितना होगा 7, 8, 8 + 3 कितना होगा 9 10 11, यानी 1 या 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 3 कितना होगा 8, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 + 4 कितना होगा 8, 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 3 कितना होगा 6, 4 + 6 कितना होगा 10, 10 + 1 11, 1 + 1 कितना होगा 2, 2 + 2 कितना होगा 4। तो हमारा आंसर है 416884184। यानी ये हमारे जो टोटल पेंसिल्स है प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री, ये हमारा आंसर है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अ बल्ब फैक्ट्री प्रोड्यूस 21368143, और ये हमें तीन नंबर्स, तीन सालों में प्रोड्यूस हुए बल्ब्स के नंबर दिए हुए। अब हमें क्या निकालना है, टोटल बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस बाय कंपनी। तो टोटल इसी तरह हमने अभी पेंसिल्स का कैसे निकाला था, उसी तरह आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के, लैंग्वेज क्या लिखनी है, बल्ब्स प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर, बल्ब प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर और बल्ब प्रोड्यूस इन थर्ड ईयर, ऐसे करके हमें तीनों नंबर्स को लिखना है। फिर उन तीनों को ऐड करना है, जो हमारा जो टोटल आएगा वही हमारा टोटल बल्ब्स प्रोड्यूस बाय कंपनी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देर आर 2167315, यानी तीन नंबर्स दिए हुए थे। ये नंबर्स क्या क्या है, पर्सन्स इन थ्री सिटीज, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री सिटीज, हमें तीन सिटीज की पॉपुलेशन दे रखी है पर्सन्स की, तो हमें टोटल पॉपुलेशन निकालती है इन तीनों सिटीज का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ वन सिटी, एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है 2167315 8। पहले ही हम डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, यानी फर्स्ट वाले जो हमारी डिजिट है उसमें 8 है, बाकी दोनों में 9 है फर्स्ट नंबर। इसी तरह हम पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड और थर्ड डिजिट के भी, थर्ड सिटी के भी लिख देंगे, पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड सिटी वो है 1 4 2 6 3 2 8 1 6, पॉपुलेशन ऑफ थर्ड सिटी, थर्ड सिटी की भी हमें पॉपुलेशन लिखनी है, और थर्ड सिटी की पॉपुलेशन है 1 2 3 2 4 5 6 2 8, हमने एकदम सारी डिजिट एक के नीचे एक लिखी। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो 8 प्लस 6 प्लस 8 कितने होते हैं 14, 14 प्लस 8 कितने हो गए 22, 2 या 2, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, 0 या 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 कितने हो गए 16, 6 या 1। अब 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 6 प्लस 5 कितना होगा 11, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 11 प्लस 4 कितना होगा 15, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 14, 15, 5 या 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लus 2 4, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 4 कितना होगा 6, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, तो हमारा आंसर होगा 2875560, ये हमारा टोटल पॉपुलेशन होगा, टोटल पॉपुलेशन ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें हमें सिंपली ऐड करना है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, एक केबल फैक्ट्री ने वायर को 3 महीने में बनाया, वो तीनों महीने में जितना भी वायर बनाया है उनके नंबर्स दे रखे हैं मीटर में, और पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर प्रोड्यूस इन 3 मंथ। अब टोटल लेंथ पूछी है उन 3 महीनों का, तो हमें सिंपली जो लेंथ हमें दे रखी है उन्हें ऐड करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा टोटल लेंथ ऑफ वायर प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स होगा। आपको लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है लेंथ ऑफ वायर प्रोड्यूस इन फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और 3 मंथ, यानी वन मंथ भी लिख सकते हो या फर्स्ट और सेकेंड थर्ड ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें क्या दे रखा है, इन एन इलेक्शन 2 1 4 6 1 2 3 5 1 वोट्स वेर फाउंड वैलिड एंड 1 2 7 6 3 2 8 5 6 वोट्स वेर फाउंड इनवैलिड, हाउ मेनी टोटल वोट्स वेर कास्ट इन द इलेक्शन। हमें वैलिड वोट्स के नंबर दे रखे और इनवैलिड वोट्स के भी नंबर दे रखे, और हमें पूछा गया है टोटल वोट्स, यानी टोटल वोट्स कितने डाले गए थे इलेक्शन में, तो हम
जो वैलिड वाले वोट्स है उन्हें और जो इनवैलिड वोट के जो नंबर है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे टोटल वोट्स आ जाएंगे। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं वैलिड वोट्स। पहले हम डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों डिजिट्स के नंबर सेम है 2 1 4 6 1 2 3 5 1। अब इनवैलिड वोट लिख देते हम इनवैलिड वोट है 1 2 7 6 3 2 8 5 6। अब हमें टोटल वोट निकालना है तो क्या करना है, टोटल वोट्स निकालना है तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 11 प्लस 1 12, तो 2 या 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 7 प्लस 4 होता है 11, 11 प्लस 1 12, 2 या 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। तो ये हमारे टोटल वोट्स के नंबर आ गए हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन अ स्टेट देर आर 4 6 4 2 6 7 2 1 8 5 1 लिटरेट एंड 1 1 2 7 5 6 7 8 इलिटरेट पर्सन, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, इसमें सिर्फ लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोगों की नंबर दे रखी है और अनपढ़ लोगों के नंबर दे रखे हैं और टोटल पॉपुलेशन का। तो हमें सिर्फ सिंपली लिटरेट नंबर और इलिटरेट नंबर्स को ऐड करना है तो हमारी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, इन अ मेट्रो सिटी देर आर 2 6 7 8 0 1 5 8 9 मैन, 2 4 3 0 8 5 0 6 8 वीमेन एंड 1 1 1 6 2 0 8 7 3 चिल्ड्रेन, फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेट्रो सिटी। तो हमें पॉपुलेशन मैन की दे रखी है, वुमेन की दे रखी है, चिल्ड्रेन की दे रखी है और टोटल पूछी है। तो तीनों मैन वुमेन और चिल्ड्रेन को ऐड कर लो तो हमारी मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो मैं लिख देती हूँ पॉपुलेशन ऑफ मैन, टू सिक्स सेवन एट जीरो 1 5 8 9। अब लास्ट में हमारे पॉपुलेशन ऑफ वो है 1 1 1 6 6 2 0 8 7 3। तो हमें ऐड करना है तो 9 प्लस 8 कितना होगा 17, 17 प्लस 3 कितना होगा 20, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 6 कितना होगा 16, 16 प्लस 7 कितना होगा, देखो 16 प्लस 7 के लिए सिंपली देखो 6 प्लस 7 कितना होता है 13, तो 3 नीचे और 1, 1 प्लस 1 2 यानी 23, 3 या 1, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 8 कितना होगा 15, 5 या 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 8 प्लस 0
एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस सिक्स कितना होगा फिफ्टीन, फाइव या वन, सेवन प्लस वन एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन प्लस वन टू या वन ट्वेल्व, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व टू या वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स। तो ये हमारा आंसर है सिक्स टू टू फाइव जीरो सेवन थ्री फाइव। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन आ गई मेट्रो सिटी की। और एट क्वेश्चन मैं आप पढ़ लेती हूँ, आपको लैंग्वेज बता देती हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेना। अ पब्लिशर सोल्ड डैश 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 बुक्स इन थ्री सक्सेसिव ईयर्स, हाउ मेनी टोटल बुक्स वर सोल्ड बाय द पब्लिशर इन थ्री ईयर्स। हमें तीन सालों की बुक्स दे रखी है जो पब्लिशर ने बेची है, हमें टोटल बुक्स निकालनी है तीन सालों में जो उस पब्लिशर ने बेची है। तो इन तीनों सालों की जो बुक्स सोल्ड की है उन नंबर्स को हमें ऐड करना है, वही हमारी टोटल बुक्स होगी जो उसने तीन सालों में बेची है। थैंक यू।